हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर वन हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन द रिवर वैली सिविलाइजेशन एंड दिस इज पार्ट थ्री व्हाट पार्ट थ्री इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बेटा मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है रीजन बिटवीन टू रिवर दो रिवर के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा मेसोपोटामिया और ये दो रिवर कौन सी थी टिग्रिस एंड यूफेरेटिस टिग्रेस रिवर यूफ्रेटिस के बीच में जो प्लेस था जो रीजन था उसका नाम क्या था बेटा मेसोपोटामिया ठीक है मेसोपोटामिया अब एक बात और सो मेसोपोटामिया था ये आज के डे में मेसोपोटामिया किसको बोलते हैं बेटा इराक को किसको बोलते हैं इराक को बोलते हैं ठीक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी क्या हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरह क्योंकि सुपीरियर वेपन्स थे वेपन्स मतलब जो हथियार वेपन्स का मतलब होता है हथियार बहुत अच्छे थे सुपीरियर थे द यूज ऑफ सुपीरियर वेपन्स बाय द इन्वेडर्स इन्वेडर्स जो सुपीरियर वेपन्स का यूज़ करते हैं तो ये सुपीरियर वेपन्स के कारण क्या होता है एक किंगडम का डाउनफॉल होता है और दूसरी का एस्टेब्लिशमेंट होता है जैसे पहले अगर हम बात करें कि इराक में पहले कौन आया तो इराक पहले आए सुमेरियंस ठीक है उस उनको सक्सीड किया बेबीलोनियंस ने पहले सुमेरियंस को हरा के राजपाट किसने ले लिया बेबीलोनियंस ने ठीक है देन अशेरियंस देन कलाडियंस ठीक है तो पहले अगर मैं बात करूँ तो सुमेरियन बेबीलोनियंस अशेरियंस एंड कलाडियंस ठीक है अब इनके पास वन से दूसरे दूसरे से तीसरे को पास होता चला गया द सदर मोस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया वॉज कॉल्ड सुमेर मेसोपोटामिया के सदर मोस्ट पॉइंट को हमने क्या बोला सुमेर अब ये रीज़न कहां पर है बेटा द रीज़न सिचुएटेड अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम सुमेर वर कॉल्ड बेबीलोन अब सुमेरियन से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको बेबीलोनियन मिलेंगे और अकेड रीजन मिलेंगे कौन सा रीजन अकेड रीजन बेबिलोनियन रीजन कहाँ मिलेगा सुमीरियन रीजन के थोड़ा सा आगे ठीक है तो इस पैराग्राफ से आपको लर्न करना है दो रिवर के बीच में है मेसोपोटामियन और मेसोपोटामियन का मतलब ये होता है द रीज़न बिटवीन टू रिवर्स ठीक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की यहाँ uh, की तरह यहाँ पर भी ये हुआ कि एक किंगडम को हरा के दूसरी किंगडम दूसरी को हरा के तीसरी किंगडम बहुत सारे किंग हुए ठीक है तो यहाँ की पहली सिविलाइजेशन सोमेरियन सॉरी पहले लोग सुमेरियन बेबीलोनियन, अशेरियन फिर क्लाडियंस ठीक है जो माउंटेन एरिया था बेटा वो किसका था असारिया का था वर सिचुएटेड फार टू द नॉर्थ ऑफ बेबीलोनियन नॉर्थ के बेबीलोनियन के नॉर्थ पे असीरियन रीजन था हम ये बोल सकते हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो किस किस की थी बेटा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इट मीन सिविलाइजेशन किसकी अशेरिया, अशेरिया, बेबीलोनियन सुमेरियन की सिविलाइजेशन को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं ठीक है ठीके? और ये आज के डे में कहाँ पर है मॉडर्न डे इराक, ठीक है देखो कहाँ गए तो बेटा एक बार ये मैप में देखो ये रहे सुमेरियंस ये 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 रीजन 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 और ये रीजन, ठीक है बेटा तो जो सुमेरियंस थे सुमेरियंस ने बहुत सारे सिटी स्टेट्स बनाए सुमेरियंस क्रिएटेड अ नंबर ऑफ सिटी स्टेट्स इस सिटी स्टेट डेवलप्ड इट्स तो ओन गवर्नमेंट और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट थी अपना किंग था एंड इट्स ओन लॉ ओन आर मी ईच सिटी वॉज अ स्मॉल नेशन डू रिमेंबर सुमीरियन क्रिएटेड नंबर ऑफ सिटी ओन गवर्नमेंट एंड दिज ओन गवर्नमेंट इज हैविंग देयर ओन रूल्स ईच सिटी वॉज अ स्मॉल नेशन ईच सिटी इज लाइक अ स्मॉल नेशन ठीक है अब हम पढ़ेंगे चीफ फ्यूचर क्या थे मिसो बटाम सिविलाइजेशन के तो सोशल स्ट्रक्चर किंग रॉयल फैमिली हाई ऑफिशियल प्री क्लास फॉर्म द अपर क्लास सोसाइटी में डिवीजन थे को तो कितने डिवीज़न थे बेटा तीन तो जो रॉयल फैमिली हाई ऑफिशियल प्री या अपर क्लास बनाते थे मिडिल क्लास में आते थे, थे बच्चा फार्मर ट्रेडर आर्टिशियंस ये मिडिल क्लास बनाएंगे लोअर क्लास में आते थे, थे स्लेव्स और स्लेव्स का मतलब होता है ग़ुलाम क्या होता है बच्चा ग़ुलाम जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं फैमिली वही पैट्रियार्कल सोसाइटी जो फादर होते थे वो फैमिली के हेड होते थे उनका फैमिली के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है फ़ादर क्या होते हैं बेटा हेड होते थे और उनका फैमिली के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता था द बॉयज़ वर सेंट टू स्टडी इन स्कूल वेयर इज द गर्ल्स वर ट्रेंड इन डांस एंड म्यूज़िक लड़कियों को डांस और म्यूज़िक सिखाया जाता था लड़कों को स्कूल भेजा जाता था द राइट्स ऑफ वुमेन बर प्रोटेक्टेड वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया था मतलब वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब नहीं थी अच्छी कंडीशन थी अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें बेटा तो एग्रीकल्चर ठीक है जितने भी मोस्ट ऑफ द अर्ली सुमेरियंस वर फार्मर्स अर्ली सुमेरियंस के आए थे बेटा फार्मर्स ही थे द मेन सप्लाई ऑफ वाटर वर ड्राइव फ्रॉम यूफेट एंड टेगरेस अब बेटा कितना फ़ायदा है जो कंप्लीट सिविलाइजेशन इराक है वो यूफेटिस और टेगरेस के बीच में है तो अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो पानी आपको ईजिली मिल जाएगी यूफेटिस और टेगरेस से दे डेवलप्ड एलोबरेट सिस्टम ऑफ इरीगेशन उनका इरीगेशन सिस्टम बहुत ही अलाबरेटेड बहुत ही डेवलप्ड था रेगुलर सप्लाई आती थी वाटर के थ्रू आउट द ईयर अगर हम एग्रीकल्चर ईट को बढ़ाने की बात करें तो इनके पास था ऑक्स ड्रॉन प्लो ऑक्स ड्रोन फ्लो मतलब जो वो हल जो कौन चलाते थे, थे बेटा ऑक्स चलाते थे कौन चलाते थे बच्चा ऑक्स ऑक्स मतलब आपको पता ही है ठीक है मतलब ये भी हा हल को जानते थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अब अगर हम डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं बच्चा तो यहाँ पर भी एनिमल्स को घर में रखा जाता था लाइक काओ गोट घर में का मतलब नहीं है कि घर के अंदर मतलब डोमेस्टिकेट करना मतलब अपने साथ रख लेना ठीक है काव गोट चिप डोंकी इनको ये लोग अपने घर के पास रख लेते थे आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो बेटा मेसो बटामियम लैग्ड बोथ वुड एंड स्टोन ना तो इनके पास वुड था ना इनके पास स्टोन था देर फॉर ब्रिक मेकिंग इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया Lacked, ना तो वुड थी ना स्टोन था तो यहाँ पे ब्रिक मेकिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बना उसके बाद पोल्ट्री मटके बनाना वीबिंग बुनाई करना मेटल वर्क ये भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थे दे यूज टू मेक ज्वेलरी आर्मर्स एज वेल एज स्टेचू ज्वलरी भी बनाते थे आर्म्स भी बनाते थे और स्टेचू भी बनाते थे ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो बेटा जो सुमेरियंस थे उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ठीक है और जो रिवर्स थी उनको गुड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती थी उनके पास फूड सप्लाई का अबेंडेंट स्टॉक था जो फूड ग्रेन थे उसको वो एक्सपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट क्या होता है बच्चा एक्सपोर्ट टू सेल थिंग्स आउटसाइड योर जोग्राफिकल बाउंड्री आपकी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर अगर आप किसी गुड को सेल करते हो तो वो क्या कहलाता है एक्सपोर्ट इसी तरीके से आप किसी अदर कंट्री से आपकी कंट्री में कोई चीज़ मंगवाते हो तो वो क्या कहलाएगा इम्पोर्ट दे एक्सपोर्टेड डैम टू इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन कंट्रीज वो इजिप्ट और मेडिटेरेनियन कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे इन रिटर्न दे इम्पोर्टेड स्टोन वहाँ से स्टोन टिम्बर मेटल ये सारी चीज़ें मंगा लेते थे थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में थी ही नहीं जो मेसोपोटामिया के सील हैं वो हमको कहाँ पर मिली है बेटा इंडस वैली में इंडस वैली के सील हमको मेसोपोटामिया में भी मिली है अब क्या अगर आपको टेस्टिफाई करना है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली में ट्रेड रिलेशन थे कि नहीं तो इससे पता चलता है ना कि मेसोपोटामिया की सेल इंडस में इंडस की सेल मेसोपोटामिया में मतलब इनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे और ट्रेड अगर आप करोगे तो आपकी एरिया में क्या आएगी प्रॉस्पैरिटी प्रॉस्पैरिटी का मतलब क्या होता है समृद्धता आप रिच बन जाएंगे धीरे धीरे करके आपकी सिविलाइजेशन रिच बन जाएगी क्योंकि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं गुड जाता है तो हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं ठीक है सो so, स्टूडेंट्स अगर हम रिलीजन की बात करें धर्म की बात करें रिलीजन एवरी सिटी हैड इट्स ओन गॉड ओके चीफ प्राइस्ट द किंग चीफ प्राइस्ट ही किंग होते थे अपने भगवान होते थे ई सिटी हैड इट्स ओन गॉड एंड चीफ प्राइस्ट वॉज द किंग दे बिल्ट टावर टेम्पल कॉल्ड जिगरेट जिगरेट बनवाए अपने भगवान के ऑनर you know, में ठीक है जिगरेट मीन्स ऑफ हेवन जिगरेट का मीन क्या होता है बेटा जिगराट का मीन होता है ऑफ हेवन माउंटेन ऑफ गॉड तो दी जिगराट वर कंसिडर्ड होम फॉर गॉड तो ये जो मंदिर बनवाते थे जैसे ये जिगरेट है तो इसको बोलते थे होम फॉर गॉड भगवान का घर है अ जिगरेट अ नंबर ऑफ स्टोरी बहुत सारी स्टोरीज होती थी स्टोरी मतलब स्टोरीज पढ़ने वाली स्टोरी नहीं बिल्डिंग वाली स्टोरी ईच स्मॉलर देन वन बिलो इट जैसे कि ये एक फिर दो फिर तीन फिर चार ऐसे करके ठीक है ये मेसोपोटामियन जिगुराट जिगुराट बोले तो उनका मंदिर ज़िगुरेट राइटिंग चलो द देअर दे, दे, रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑन क्ले टेबलेट उन्होंने पहले ऐसे मिट्टी का एक स्लेट के जैसे बनाया उसको प्रॉपर बेक किया वो पक्का बन गया उसके ऊपर वो लोग लिखते थे शॉर्ट वेजड शेप मार्क वर मेड ऑन द क्ले वेज की तरह मार्क्स बना देते थे क्ले पे विथ स्टाइलिश थ्री कॉर्नर स्टिक तीन कॉर्नर वाली स्टिक होती थी उससे बनाते थे जो वेज शेप्ड राइटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूनीफॉर्म क्या बोलते हैं बच्चा क्यूनीफॉर्म वेज शेप की जो राइटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूनीफॉर्म ठीक हुई बात अगर इनकी स्क्रिप्ट की बात करें हम तो स्क्रिप्ट में आफ्टर राइटिंग द टेबलेट बेक्ड इन ओवन अच्छा मैंने उल्टा प्रोसेस बता दिया पहले लिखते थे फिर उसको ओवन्स में बेक करते थे मैंने क्या बोला पहले बेक कर देते थे फिर लिखते थे नहीं 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 पहले लिखते थे फिर बेक करते थे कहाँ पर या तो ओवन में या सन में इस्क्रिप्ट हैड मोर दैन थ्री फिफ्टी सिंबल कितने स्क्रिप्ट में कितने सिंबल है थ्री फिफ्टी हमारे इंडस के अभी तक हमने कितने ढूंढ लिए फोर हंड्रेड द टेक्स्ट इज स्टार्टेड फ्राम राइट टू लेफ्ट कैसे लिखा जाता था टेक्स्ट राइट right से लेफ्ट की तरफ जाता हुआ ठीक है आर्क्योलॉजिस्ट ने अनकवर्ड किया है बेबीलोनियन में स्कूल भी थे ठीक है द टैबलेट फाउंड देयर हैड अ लेसन ऑन देम जो टैबलेट वहाँ पर मिले हैं उनके ऊपर लेसन लिखा गया है पीपल सेट में मतलब एक रोज में बैठते थे और एक्सरसाइजेस को क्ले टैबलेट के ऊपर लिखते थे ठीक है और बेटा जैसे आज हम पेन से लिखते हैं कॉपी के ऊपर वो सॉफ्ट क्ले टैबलेट पे लिखते थे किससे से से इन्वेंशन तो इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये अर्लियर पीपल थे बेटा जिन्होंने आर्चिस इन डोरवे डोरवे पे क्या बनाई आर्च ठीक है द सुमेरियंस वर वर्लीस्ट पीपल टू यूज आर्चिस इन डोरवेज दे इम्प्रूव द क्रूड व्हील उन्होंने व्हील को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया कार्ड बनाए चैरियट बनाए रथ बनाए गाड़ियाँ बनाई दे मेड सनडायल मेजर इम्पोर्टेंट थिंग मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी उन्होंने सनडायल बनाया अ डिवाइस सिस्टम ऑफ काउंटिंग बेस्ड ऑन सिक्सटी एक अलग सिस्टम बनाया काउंटिंग का अवर डिज डिविजन ऑफ एन आर एंड मिनट इंटू सिक्सटी पार्ट कम फ्रॉम सुमेरियन सिस्टम आज अगर एक घंटे में साठ मिनट होते हैं एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं और तो वो सभी कहाँ से ही आया है बच्चा पार्टी सुमेरियन से ही आया है इन्होंने सिक्सटीज काउंटिंग सिस्टम बनाया डिडिड काउंटिंग बेज्ड ऑन सिक्सटी ठीक है द कोड ऑफ हमुरावी अगर हम हम्बूरावी कोड की बात करें तो बेटा जब एटीन हंड्रेड बी सी थी मतलब बिफोर क्राइस्ट एटीन हंड्रेड बेबिलोनियंस ने किसको जीत लिया सुमेरियन सिटी को जीत लिया कहाँ की मैसोपटामिया की फिर दे मेड बेबिलोन देअ कैपिटल बेबीलोन को अपना कैपिटल बना लिया ठीक है द बेबीलॉन्स कनकर्ट द सुमेरियन सिटी ऑफ मेसोपोटामिया बेबीलोनियंस ने किसको जीत लिया सुमेरियंस को अभी तक हमने सुमेरियंस को देखा उन्होंने क्या इन्वेंशन किए पर अब हम देखेंगे बेबीलोनियन बेबीलोनियन ने किसको जीता सुमेरियन को जीता फिर उन्होंने बेबीलोन को अपना कैपिटल बना लिया उनके कस्टम्स अलग थे किससे सुमेरियन से ऑबियसली बात है दो लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करेंगे तो उनके कस्टम्स अलग होंगे

टेम्पल ऑफ मडुक है उसके ऊपर उस एट फीट हाई लगाया गया स्टोन को जिसके ऊपर उसने क्या लिखे थे कोर्ट और लॉस इनके जो सुप्रीम कोर्ट कौन थे गॉड थे बेटा अब अगर मैम क्वेश्चन पूछे कि जो हम भी हम बुरावी कोर्ट थे या लॉस थे तो उसमें कितने पैराग्राफ थे बच्चा तो कितने टू एट्टी टू पैरेग्राफ थे जो ह्यूमन लाइफ के हर आस आस्पेक्ट से डील करते थे ठीक है इट रिव्यूज दैट वुमेन कोड ओन प्रॉपर्टी हमबूरा भी कोड में लिखा है कि औरतों को भी राइट है वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकती हैं बिजनेस कर सकती हैं सोचो हम्बूरा भी कितने डेवलप थे कि उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की उन्होंने बोला वुमेन प्रॉपर्टी रखें वुमेन बिजनेस करें इट प्रोटेक्टेड द वीक पुअर वुमेन चिल्ड्रन एंड स्लीव उन्होंने सबकी बात की है जो कमज़ोर है गरीब है वुमेन है मतलब औरतें हैं बच्चे हैं स्लेव्स मतलब गुलाम हैं उन्होंने बोला रिच और जो पावरफुल पीपल हैं उनको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए किसी भी पुअर के साथ किसी भी वुमेन के साथ ठीक है ये गलत बात है किसने कहा बेटा हम बुरा भी ने कहा सच में अच्छी चीज़ें लिखी उसने पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज वॉर शॉप मतलब कठोर सज़ा मिलनी चाहिए ठीक है हम्बू राबी आइडिया ऑफ जस्टिस में भी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स हमारे आइडिया से हो सकता है उनका जो जस्टिस का आइडिया वो अलग है पर उनके जो कोर्ट थे उन्होंने एक स्टेप दे दी कि अब आप इसके ऊपर जो कुछ अच्छा बना सके बना ले बाकी इतना मैंने कर दिया है इट इज़ बिकॉज इट हैज़ रिटर्न डॉक्यूमेंट क्योंकि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट ठीक है एप्लीकेबल टू ऑल पीपल ऑफ मेसोपोटामिया समझ में आ रही है बात हम्बू राबी ने क्या किया बच्चा अपने कोट्स को राइटिंग में लिख दिया है किस में लिख दिया राइटिंग डॉक्यूमेंट में लिख दिया है और जो लॉस थे वो पूरे मसोपाटामिया के लोगों के ऊपर फॉलो होते थे ठीक है अदर नेशंस आल्सो फॉलो द कोड ऑफ लॉ ऑफ हम्बुराबी दूसरे कंट्रीज़ ने भी उनको इतने अच्छे लगे हम्बुराबी के कोड्स कि उनको फॉलो किया बेटा जो फ्रेसिस हैं एन आई फॉर एन आई टूथ फॉर टूथ ये जो इंटरेस्ट क्या फ्रेसिस हैं जो कॉमनली किसकी जगह पे यूज होते हैं टिट फॉर टैट की जगह यूज होते हैं इनका जो ओरिजन है वो भी हमबूरा भी लॉज में ही हुआ है ठीक है ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज नेब्यूक नेजा क्या बोलोगे बच्चा आप इसको नेबा नेब्यू नेब्यू कड नेजा नेब्यू कड नेजा ठीक है नेब्यू यू करीजा आफ्टर हमबूरबी जब हम हम्बुरा, की डेथ हो गई तो बहुत सारे मेनी डिफरेंट ट्राइब्स रूल बेबीलोन बहुत सारे अलग अलग, अलग लोगों ने बेबीलोन पे पर रूल किया असीरियंस फ्रॉम नॉर्थ कॉन्क्व बेबीलोन जो असीरियंस है उन्होंने बेबीलोन Babylon को बेबीलोनियंस को हराया जीत लिया किसको बेबीलोन को जीत लिया ठीक है असीरियंस ने बेबीलोनियन को जीत लिया मतलब किसको हरा दिया बेबीलोनियंस को हरा दिया कब हराया बेटा सेवन ट्वेंटी टू बी में हराया ठीक है जो अशेरियंस थे उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट था कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था एक्सेलेंट आर्मी थी ठीक है ने में हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑस्टेरियंस हैं अब उनका रूल आ गया है थे। उन्होंने कम्युनिकेशन को डेवलप किया अफिशियंट आर्मी को डेवलप किया ठीक है सो स्टूडेंट वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग किंग रूलर ऑफ कल्डियंस कैलडियंस कीम टू द थ्रोन ताज किसके पास आ गया नेब्यू कडनीजर के पास आ गया उसने बेबीलोनियन को पूरी तरह फिर से बना दिया उसने नए पैलेसेस बनाए ठीक है अ सीरीज़ ऑफ़ टेरेसेस बनाए टू प्लीज हिज़ वाइफ हु हैड अ पैशन फॉर माउंटेन सराउंडिंग उनकी जो नेब्यू नेजर की जो वाइफ थी उसको माउंटेंस का बहुत शौक़ था तो उसने बहुत सारे क्या बना दिया बेटा उसको प्लीज करने के लिए उसको खुश करने के लिए सीरीज ऑफ़ टेरेसिज कलरफुल फ्लावर्स लगाए ठीक है टेरेस पे बहुत सारे ट्रीज को हंग किया लवली रूफ गार्डन्स बनाया ठीक है और उसको क्या बोला गया हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किसने बनाया बिकट नेजर ने नहीं बताया बेटा और ये सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है डो रिमेंबर हैंगिंग गार्डन जो बेबीलोनियन में है वो आज भी सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है ठीक है तो सोचो निकट नजर कितने इंटेलिजेंट होंगे और उन्होंने उनकी वाइफ के लिए कितना कुछ अच्छा किया द गार्डन ऑफ पे आर रूफ गार्डन कैसा गार्डन है बेटा रूफ गार्डन है दे गिव द इम्रेशन दैट देयर रूट्स आर नॉट इन दर्थ बट आर हैंगिंग विदाउट अ बेस उन्होंने ऐसे दिखाना चाहा कि जमीन में जो है जड़े नहीं हैं वो बिना किसी बेस के हैंग कर रही हैं दैट इज वाई इट इज़ नोन एज हैंगिंग गार्डन ठीक है अब अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बेटा अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करिए तो ये किस पे बेस करता था बेटा और टेग्रेस रिवर पे बेस करता था यूफेरेटस और टेग्रेस यहाँ की लाइफ लाइन थी व्हेन दिस रिवर चेंज देयर कोर्सेज जब ये रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने लगी इरोडेड द मोन्यूमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर ठीक है जो विंड थी जो स्ट्रोम्स थे उन्होंने रोड करके ले गए बहा के ले गए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ठीक है और दबा दिया किसके अंदर सैंड रेत के अंदर सो so, स्टूडेंट्स अगर इस इस सिविलाइजेशन की बात करें तो वही फिर हम जीरो से मतलब हम टू थाउजेंड में हैं अभी तो टू थाउजेंड से कहाँ आएंगे ज़ीरो पे आएंगे फिर ज़ीरो से आपको कितना जाना है बैक थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो टोटल टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करेंगे तो ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है